इधर अभी एक नया नोटिस आया है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छी अपडेट है। आप सबको पता होगा कि महिलाओं की कुछ वैकेंसी जो है एकदम रद्द कर दी गई थी। अब उसको लेकर के बहुत ज़्यादा महिलाओं के कमेंट आ रहे थे कि सर अब हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए खुशखबरी क्या है और इस नोटिस में कौन कौन सी पद हैं जिनका भर्ती जितना वैकेंसी निकला था वो सब जीरो कर दिया है। मतलब समझ लीजिएगा कि अगर आपने उनमें उन पदों में फॉर्म भरा है तो उस पद का, उस भर्ती का, उस पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। अब होगा क्या, आपने फॉर्म तो भर दिया, क्या आप एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो सारी चीज़ें डाउट में आगे क्लियर करता हूँ। आप सबको पता होगा ये सीआरपीएफ का नोटिस अभी भी जारी हुआ है। आखिर में मैं मुद्दे की बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द वैकेंसीज इश्यूड ड्यू टू फर्स्ट कैडर रिव्यू ऑफ ग्रुप सी ट्रेड्समैन कैडर, ये आप देख पाएंगे यहाँ पर। ये जो एक से लेके छः नंबर तक जो ये पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं इन सब की जो वैकेंसी है उसको रिवाइज कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा अगर आपने कॉबलर में भरा है मेल में तो पहले 151 पद आए थे लेकिन अब 59 हो गए हैं। वॉशरमैन जो पुरुष थे उनमें 403 की जगह 214 घटा दिया है। बारबर में 303 की जगह 100 बारबर रह गए। सफाई कर्मचारी जो पुरुष थे 811 से 477 कर दिए। फीमेल में वॉशर वुमन में आप सबको पता होगा और सफाई कर्मचारी में दोनों पदों में जो 13 और 13 जो वैकेंसी निकली थी ये सब का नोटिस आया था कि ये जो भर्ती है, ये जो पद हैं, ये सब समाप्त कर दिए हैं। अब थोड़ी सी आपको मैं और चीज़ें बता देता हूँ, बाकी देखिएगा। वैकेंसी ऑफ अदर पोस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी इन पोस्टों को छोड़ करके बाकी जितनी भी पोस्ट बची हैं उन सब में जितनी वैकेंसी नोटिफिकेशन के टाइम पर दी थी उतनी ही वैकेंसी है, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा लड़कियों की जो ये वैकेंसी कम कर दी गई थी, आपको पता है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था वुमन वॉशर मैन वुमन और ये वॉशर वुमन और ये सफाई कर्मचारी महिला, तो ऐसे में क्या इन्होंने अब ये कहा है कि आप एग्ज़ाम तो देंगी लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद में आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा जो अदर पोस्ट, इन दो पोस्टों के अलावा जो अदर पोस्ट बची हैं उन पोस्टों के लिए आपको दोबारा से प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि हाँ हमने पेपर तो दे दिया, अब ये जो दो पोस्ट हैं ये तो ख़त्म हो गई, बाकी जो बची हैं आप उनमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो मैं आपको कल बता रहा था कि अगर आप चाहें तो सीबीटी के बाद में प्रेफरेंस दे करके महिलाओं के साथ में न्याय कर सकते हैं, वैसा ही हुआ। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ आप देख लीजिएगा, बाकी ये देखिएगा द डिटेल्स, सीधी बात है सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप डिटेल में वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट, सीआरपीएफ की वेबसाइट को रोजाना जो आप चेक करते रहें। बाकी इसमें बोला है कि ओके प्रेफरेंस के रिगार्डिंग दिस लिंक विल बी अवेलेबल 25 जुलाई 2023 फॉर सबमिटिंग ऑप्शंस एंड प्रेफरेंसेस, यानी महिलाओं की जो ये वैकेंसी है इसमें जो पद हैं जो ख़त्म हो गए थे दो पोस्टों के लिए उनकी जो प्रेफरेंस है वो ये 25 जुलाई के बाद में ये ऑनलाइन होगा जिसमें आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऑल अदर डिटेल्स इन द एडवर्टाइजमेंट डेट 15 मार्च 2023 एज वेल एज कोरिजेंडम डेटेड 17 अप्रैल 2023 विल रिमेन अनचेंज्ड, बाकी चीज़ें जो हैं चेंज नहीं की गई हैं। तो बस एक अच्छी न्यूज़ ये है महिलाओं के लिए कि वो एग्ज़ाम दे पाएंगी और एग्ज़ाम के साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि वो अदर पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म प्रेफरेंस भर सकती हैं, मतलब एग्ज़ाम सबको देना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरवा लिया बाद में पोस्टों को रिजेक्ट कर दिया, पता चला महिलाओं ने या फिर पुरुषों ने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था वो तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, सारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये तो दो पोस्ट कैंसिल की गई हैं, इनका एग्ज़ाम न रह करके बाकी अदर पोस्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, प्रेफरेंस वर्क के महिलाओं के साथ में न्याय वाला। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इजली एंड आई विल रीड। थैंक यू।